कंटिन्यू करते हैं अपना सिक्वेंशियल सर्किट का शॉर्ट नोट्स। ओके, तो इसके पहले जो हमने यहाँ तक देखा था असिंक्रोनस काउंटर्स को शुरू किया था, उसके अंदर चार पॉइंट देखे थे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन भी होता है, तो एफ आउट क्लॉक की क्लॉक जो होगी फ्रीक्वेंसीज होगी, ओके सॉरी क्लॉक नहीं फ्रीक्वेंसी, आउटपुट में जो आपका निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसीज होगी वो आपका एफ क्लॉक अपॉन टू, ठीक है, डिवाइड बाई टू हो जाएगा, या फिर बोले तो टाइम आपका दुगना हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो ये तो क्या है, टू बिट के लिए है या फिर मॉड टू काउंटर के लिए है ये चीज़, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मॉड टू काउंटर के लिए कि डिवाइड बाई टू फ्रिक्वेंसी और टाइम आपका टू टाइम्स। इन जनरल की बात करेंगे तो आपका एफ सी एल के अपॉन मॉड नंबर, क्योंकि ये मॉड टू था तो यहाँ पे डिवाइड बाई टू हो रहा था, यहाँ पे हम इन जनरल मॉड नंबर से डिवाइड कर देंगे क्लॉक की फ्रिक्वेंसी को, तो आपका एफ आउट निकल के आएगा। ओके, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कि जो रिपल काउंटर्स होते हैं वो कैन बी ओनली आपका या तो अप काउंटर हो सकते हैं या फिर डाउन काउंटर हो सकते हैं, मतलब 0 1 2 3 0 इस तरीके से। यहाँ पे कुछ भी आगे पीछे बीच का नहीं होता, जैसे कि हमारा हमने सिंक्रोनस में देखा था वहाँ, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कोई भी लॉकआउट नहीं होगा, सेल्फ स्टार्टिंग नॉट सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे वहाँ पे 0 1 2 हुआ और 3 आपका चला गया अलग, 3 से 3 पे जा रहा है तो लॉकआउट हो जा रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। या आपके स्पेसिफिक या तो आप काउंटर बनेंगे या डाउन बनेंगे। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात होगी, दे वर्क ओनली इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में ही काम करते हैं। और क्या है, पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक है, इसको मैंने बार बार डिस्कस कर लिया बोल बोल के। उसके बाद इन टू बिट अप काउंटर मॉड फोर काउंटर, ठीक है, या तो दो बिट अगर अप काउंटर है या फिर इसका मतलब है कि मॉड फोर का काउंटर है, दो बिट का है मतलब मॉड फोर का है। उसके बाद आगे आते हैं कि ऑल काउंटर्स आर फ्री रनिंग, यहाँ पे सारे काउंटर फ्री रनिंग होते हैं, मतलब यही चीज़ है कि यहाँ कोई लॉकआउट की कंडीशन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में वर्क करते हैं। ओके, मॉड नंबर यहाँ पे कितना होगा वो बात कर लेते हैं। अगर आप दो एन फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो 2 की पावर n या इसका मॉड नंबर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप दो फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं 2 की पावर 2 मतलब 4 मॉड नंबर होगा, अगर आप 3 ले रहे हैं तो 8 मॉड नंबर होगा। तो यहाँ पे मॉड नंबर आपका मैक्सिमम जो पॉसिबल होता है वही यहाँ पे निकल के आता है 2 की पावर n। ओके, ये हमारा असिंक्रोनस काउंटर के बारे में कुछ बात हुई। अब आते हैं क्लियर और प्रीसेट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ओके, क्लियर करना मतलब उसको जीरो करना, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे लाके खड़ा कर देना दोबारा से। प्रीसेट क्या मतलब होता है कि पहले से उसको सेट कर देना या हाई कर देना, ये तो हिंदी में समझ में आता है। ओके, तो प्रीसेट किस लिए होता है, फॉर मेकिंग फ्लिप फ्लॉप आउटपुट क्यू इक्वल टू 1, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट पहले से 1 बनाने के लिए। ओके, क्लियर कैन बी एक्टिव लो और हाई, क्लियर एक्टिव लो और हाई दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका क्लियर कुछ उस तरीके से है जिसमें बबल भी है और ये क्लियर के ऊपर बार भी है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके ये एक्टिव हाई क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्टिव हाई क्लियर का क्या मतलब है, आपका ये केवल क्लियर होना चाहिए, ये एक्टिव हाई होगा। अगर आपका या तो ये जैसे ये क्लियर है और यहाँ पे बबल आ गया तो ये एक्टिव लो होगा, या बबल नहीं आया तो क्लियर के ऊपर बार हो गया तो भी एक्टिव लो होगा, और ये जो तीसरा वाला केस है जहाँ पे बबल भी है और क्लियर के ऊपर बार भी है ये भी एक्टिव लो ही है। तो एक्टिव लो के 3 तरीके हैं दिखाने के, एक्टिव हाई का एक ही तरीका, ये याद रखेंगे। ओके, असिंक्रोनस क्या में क्या होता है कि कोई रिलेशन क्लॉक के संग नहीं होता है, और किसका, क्लियर का, मतलब असिंक्रोनस काउंटर जो हमने जस्ट अभी पढ़े उसमें कोई भी क्लॉक के संग रिलेशन नहीं है, बट सिंक्रोनस काउंटर में जो क्लियर होता है वो क्लॉक के संग ही होता है, दोनों हाई होने चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, क्लॉक अगर लो है तो आपका सर्किट या डिवाइस जो है उस समय में वर्क नहीं कर रहा, वो पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा, तो वो वर्क नहीं करेगा तो क्लियर नहीं हो सकता। तो एक्टिव हाई क्लियर के लिए अगर बात करें फॉर एग्जांपल, तो आपका क्लॉक भी हाई होनी चाहिए और क्लियर भी हाई होना चाहिए, तब आप उसको क्लियर कर सकेंगे। तो ये चीज़ हुई। इसी तरीके से प्रीसेट भी आपका एक्टिव हाई और लो दोनों हो सकता है, ठीक है, लो एंड हाई हो सकता है। और प्रीसेट अगर लो है मतलब उसको लो दिखाने के, फिर वही 3 तरीके, आप या तो बबल लगा दो या तो बार लगा दो प्री के ऊपर, या दोनों लगा दो। अगर आप बबल और बार दोनों लगाते हो तो भी वो लो ही होगा। ओके, टू मेक देम एक्टिव लो प्लेस अ इन्वर्टर बिफोर देम। अगर एक्टिव लो आपको बनाना है पर्टिकुलर इस वाले केस में, ओके, उसके लिए बोला गया है, तो आप केवल बबल लगा दो। उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने क्लॉक लिया है आर इनपुट और एस, ठीक है, एंड गेट में डाला है। ये आपका क्या है, एक आर एस लैच या फ्लिप फ्लॉप है। ओके, डिपेंड करता है कि किस तरीके की क्लॉक ट्रिगरिंग है उसके ऊपर। ऑलवेज अज्यूम अप काउंटर इफ नथिंग इज गिवन। और एक और इंपॉर्टेंट, या ठीक है, बाय डिफॉल्ट पॉइंट बोल सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है किसी भी काउंटर के बारे में, आपको डायग्राम दिया गया है तो उसको आप अपने हिसाब से अप काउंटर मार्क मान के ही सॉल्व करो। तो वापस आते हैं अपने क्लियर और प्रीसेट पे। तो ये आपका क्लियर है, ये आपका क्लियर है इस जगह। तो क्लियर हम लगाएंगे ऊपर वाले नॉर गेट में। ओके, इस तरीके से इसको क्लियर लगा देंगे। अगर मैंने इसको हाई कर दिया या मैंने इसमें क्लियर दे दिया, ओके, क्योंकि वन, देखो यहाँ पे क्या है, वन डोमिनेट्स, ठीक है, नॉर के अंदर वन डोमिनेट करेगा। इस नॉर का मैंने दो इनपुट आ रहे हैं, एक क्लियर से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है।
इस क्लियर वाले इनपुट को अगर मैंने हाई कर दिया, ऑब्वियसली बात है आउटपुट जीरो कर देगा, मतलब क्लियर कर देगा, तुरंत क्लियर कर देगा, ठीक है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। ऐसी अगर प्रीसेट की बात करते हैं, देखो प्रीसेट देख लो, प्रीसेट को मैं हाई करूंगा, आप कहोगे वन डोमिनेट तो इसको जीरो कर देगा, सही बात है, इसको जीरो कर देगा मतलब इसको वन कर देगा, ओके, तो ये प्रीसेट इसने सेट कर दिया, तो ये लॉजिक बनता है क्योंकि आपको क्लियर में वन देना है और आपका आउटपुट जीरो बनाना है, इसलिए इसको इसको आपको ऊपर देना पड़ेगा जो नॉर गेट क्यू से जुड़ा है, और क्योंकि प्रीसेट में आपको उसको वन बनाना है तो इसको आपको क्यू बार में देना पड़ेगा, फिर ये नीचे जीरो बनेगा तो ऊपर ये वन बन जाएगा आपका। इस तरीके से क्लियर और प्रीसेट देते हैं, ये नॉर गेट्स है। फिर बात करते हैं सेम सर्किट विल बी अ मॉड 6 काउंटर फॉर असिंक्रोनस क्लियर। ओके, मतलब ये एक तरीके से कंपैरिजन कर रहा है असिंक्रोनस क्लियर का और सिंक्रोनस क्लियर का। ओके, कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस सर्किट में अगर आप मतलब सेम क्लियर की बात कर रहे हो तो आपका जो असिंक्रोनस काउंटर होगा वो मॉड 6 का होगा, बट आपका जो सिंक्रोनस वाला क्लियर होगा, सिंक्रोनस क्लियर मतलब कि जो क्लॉक से जुड़ा हुआ होता है तो वो मॉड 7 का काउंटर होगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्लॉक के लिए वेट करना पड़ता है क्लियर देने के लिए, जब अगली क्लॉक आएगी, जैसे अगली क्लॉक आई उसके संग काउंटिंग एक और बढ़ गई, यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है, जैसे अगली क्लॉक आई तो काउंटिंग आपकी प्लस वन हो गई, तो इसमें 6 से 7 हो जाएगी। टू क्लियर हियर वी विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लॉक पल्स, ठीक है, वही वाली बात मैंने बता दी। एक छोटा सा बॉडी पॉइंट है कि आपका कैस्केडिंग काउंटर, अगर आपके दो काउंटर को इस तरीके से कैस्केड किया जाता है मॉड 5 मॉड 10, तो आपका जो रिजल्ट होगा सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, जस्ट मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट होगा मॉड 10 का काउंटर, और कुछ भी नहीं करना है। वापस आते हैं रजिस्टर्स के ऊपर, तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो पहली बात तो वो सिंक्रोनस सर्किट्स होते हैं, ये याद रखेंगे, ओके, रजिस्टर्स आर सिंक्रोनस सर्किट्स, और रजिस्टर्स आर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट के डेटा को स्टोर कर सकता है, एक फ्लिप फ्लॉप बोलो या लैच बोलो दोनों ही, ओके, तो ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 1 बिट ऑफ डेटा। अब क्योंकि एक रजिस्टर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, इसका मतलब कि काफ़ी सारे बिट ऑफ डेटा को वो स्टोर कर सकता है एक सिंगल रजिस्टर, ओके, 3-bit रजिस्टर स्टोर्स 3, ठीक है, 3 bits ऑफ डेटा को स्टोर करता है 3-bit का रजिस्टर, उसमें 3 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ये याद रखेंगे। और देखते हैं, ठीक है, ये अब रजिस्टर के कुछ कैटेगराइजेशन है, जैसे कि पीपो, सीसो, सीपो और पीसो। तो पीपो का क्या मतलब है, पैरेलल इन और पैरेलल आउट, मतलब डेटा को हम पैरेलली इन कराते हैं और पैरेलली ही आउट कराते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जैसे ये इस तरीके से है, तो आपने ये इन कराया, ये इस तरीके से, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, मान लो इस तरीके से है, तो आप ये ऐसे पैरेलली इन करा रहे हैं डेटा को, और इसी तरीके से आप इसके बाहर ही पैरेलली आउट भी करा ले रहे हैं इधर इससे, ओके, तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, तो ये सबसे अच्छा सबसे फास्ट आपका रजिस्टर का टाइप होता है, पैरेलल इन पैरेलल आउट, डेटा कैन बी लोडेड ओनली इन सिंगल क्लॉक पल्स, केवल एक ही क्लॉक पल्स में आप डेटा को लोड करा सकते हैं, इसकी खासियत है। उसके बाद सीसो का क्या मतलब है, नाम सुन के समझ में आता है, सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है, एस और पी का मतलब है पैरेलल और सीरियल, यहाँ पे सीरियली इन कराया जाता है और सीरियली ही आउट कराया जाता है। सीरियली इन कराने को मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा, जैसे आपके ये 3 फ्लिप फ्लॉप है, मतलब जब पहले आप इसमें डेटा देंगे, इससे डेटा निकलेगा तो अगले वाले में जाएगा और इससे फिर अगले वाले में जाएगा, मतलब इस वाले फ्लिप फ्लॉप को पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप पे और लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को पीछे के दोनों फ्लिप फ्लॉप पे डिपेंड होना पड़ रहा है अपने आप तक डेटा पहुँचने के लिए। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा स्लो हो जाएंगे, ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, सीसो सीपो में आप देख सकते हैं कि सीसो SI SI, तो यहाँ पे क्या है, इनपुट मेथड सेम है, आउटपुट मेथड डिफरेंट है, ओके, 1 bit चेंज पर क्लॉक पल्स। पहले हम इनपुट की बात कर लेते हैं, तो हर एक क्लॉक पल्स पे 1 bit का चेंज होगा, ठीक है, डेटा आगे बढ़ेगा, बट सीपो में क्या है कि आपका आउटपुट आपको जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है, 3-bit रजिस्टर रिक्वायर्ड, यहाँ पे 3-bit के रजिस्टर के लिए 3 क्लॉक पल्सेस चाहिए दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट वाली बात को कंसिडर कर रहे हैं, पहली बात तो आउटपुट भी कंसिडर किया जाता है, आउटपुट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको आउटपुट कैसे मिलता है, हाँ ये है कि ये सीपो जो है ये सीसो से थोड़ा फास्ट आउटपुट दे देगा। पीसो क्या होता है, पैरेलल इन सीरियल आउट, यहाँ पे आप मल्टीप्लेक्सर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये थोड़ा सा बस याद रखने के लिए पॉइंट है, डिटेल में यहाँ नहीं देख रहे क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो पीसो मक्स को यूज़ करता है, ओके। फिर शिफ्ट रजिस्टर्स की बात कर लेते हैं, जैसा इसका नाम है इसमें क्या हो रहा है, इसी के नाम की तरह डेटा को शिफ्ट किया जा रहा है, इसीलिए इसको शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं, ओके। तो इन फीडबैक मेक्स काउंटर, ये जो शिफ्ट रजिस्टर होते हैं अगर आप इसमें फीडबैक दे दो तो ये काउंटर बना देते हैं, इनको बनाते हैं सीसो और सीपो की मदद से, जो बीच वाले दोनों होते हैं, ठीक है, पीपो और पीसो से नहीं, ठीक है, इनमें डेटा को डालने का तरीका दोनों में ही आपका सीरियल इन होता है, ये याद रखेंगे। दो तरीके का आपका शिफ्ट रजिस्टर हो सकता है, राइट शिफ्ट रजिस्टर और लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर,
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राइट शिफ्ट रजिस्टर होता है उसमें जो डेटा इन कराते हैं, ठीक है, देखो एक मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये एक तरीके का शिफ्ट रजिस्टर है, मतलब ये उससे आगे की चीज़ है, बट एक शिफ्ट रजिस्टर कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। यह आपका बॉक्स होगा अलग अलग, ओके, यहाँ से हम ये डेटा को डालेंगे, ये क्लॉक हमने बनाई हुई है Q2 Q1 Q0 और इधर से फिर डेटा को निकाल लेंगे। तो केवल अगर इतना होता तो ये एक तरीके का शिफ्ट रजिस्टर होता। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप MSB मतलब अगर राइट शिफ्ट रजिस्टर होगा तो आप डेटा इन करेंगे MSB की साइड से, ये याद रखेंगे। जैसे कि राइट में शिफ्ट हो रहा है मतलब डेटा आगे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या है कि जहाँ से आप डेटा को एंटर करा रहे हैं, यहाँ पे साथ में देखना, जहाँ से आप ये डेटा को एंटर करा रहे हैं ये जगह, तो ये आपका Q2 MSB वाली जगह होगी, ओके। अगर आप ये देखें, अगर डेटा लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, तो आपका डेटा लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है ये कह सकते हैं। तो मतलब ये तो अपनी जगह फिक्स है Q2 Q1 Q0, ये इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि आपका डेटा लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो आप एंटर इधर से करा रहे होगे डेटा को, और इधर कौन सी चीज़ है, LSB। तो यही चीज़ है कि अगर आपका डेटा राइट शिफ्ट होगा तो आप MSB से एंटर करा रहे हो, और अगर आपका डेटा लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो आप LSB से एंटर करा रहे हो। तो ये तो बहुत ही बेसिक बात हुई शिफ्ट रजिस्टर की। अब यहाँ पे क्या है कि शिफ्ट रजिस्टर को मैंने जो लिखा है कि फीडबैक में करके, अगर आप इसमें फीडबैक जोड़ दोगे आप इसको काउंटर बना सकते हो। तो काउंटर दो तरीके के यहाँ से बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आपका बनता है रिंग काउंटर, ओके, ये कुछ इस तरीके का है कि इसका जो Q0 है उससे आपने ये फीडबैक उठा के और इस फीडबैक को वापस से Q2 में दे दिया, ओके, तो ये आपका क्या हो गया, रिंग टाइप का काउंटर हो गया। ये क्या हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे, एक रिंग ही तो है, ये रिंग कंप्लीट हो गया, या बोले तो एक सर्किल या साइकिल कंप्लीट हो गया, तो ये रिंग काउंटर हो गया, इसको सर्कुलर शिफ्टिंग भी बोलते हैं, ओके। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है पहली बात तो, और यहाँ पे 111 जो होता है वो आपका लॉकआउट बना लेता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि जो सर्कुलर शिफ्टिंग होती है जो रिंग काउंटर में होती है इसके अंदर लॉकआउट बन जाता है 111 के द्वारा, और ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ओके। मतलब ये जो शिफ्ट रजिस्टर होता है ये लिखा है कि बेसिकली नॉट अ काउंटर, ये बेसिकली तो काउंटर नहीं होता पर इसको बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर के बिट का रिंग काउंटर है, रिंग काउंटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता पहली बार तो ये याद रखेंगे, तो वो केवल के बिट को ही काउंट कर सकता है, इसलिए इसका मॉड नंबर भी मॉड के हो जाता है, ओके, ये मॉड के काउंटर कहलाता है। मतलब कि अगर ये 3 बिट का, मान लो मैंने ये आपका रिंग काउंटर यही है, मैंने ये 3 बिट का लिया है, तो ये केवल और केवल सीधी सिंपल भाषा में 3 स्टेट्स को ही काउंट कर सकता है, ओके, ज़्यादा वो नहीं करेंगे कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सीधा सा क्या है, 3 बिट का अगर है तो 3 ही स्टेट्स को काउंट कर सकता है। इसका मतलब 3 स्टेट्स काउंट, के स्टेट्स काउंट कर ली गई के बिट के रिंग काउंटर के द्वारा। टोटल स्टेट्स कितनी होती है, 2 की पावर n या फिर 2 की पावर ये के, ये हमने देखा था। तो कितनी स्टेट्स आपकी अनयूज बच गई, इससे इसको माइनस कर दो, तो यही आपका आंसर है कि नंबर ऑफ अनयूज स्टेट्स इज 2 की पावर k और -k, ये आपकी अनयूज स्टेट है। और पॉसिबल स्टेट्स कितनी है, 2 की पावर k, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। अब इसी का क्या है, एक एडवांस वर्जन है, उसको हम जॉनसन काउंटर कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और उसको स्विच टेल काउंटर भी कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम फीडबैक देते हैं तो इसी फीडबैक में एक चीज़ अलग कर देते हैं, वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ इन्वर्टर। इसमें हम फीडबैक के दौरान एक इन्वर्टर का इंट्रोडक्शन कर देते हैं, ओके। ओनली डिफरेंस यही है कि इज़ यूजिंग एन इन्वर्टर, यहाँ पे हम इन्वर्टर का यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो देखते हैं आगे स्विच टेल काउंटर, ठीक है, यहाँ पे अनयूज मतलब यहाँ पे यूज स्टेट कितनी है पहले तो वो देखेंगे। यहाँ का मॉड नंबर होता है 2k, बस इसका इतना ही डिफरेंस है कि ये दुगनी काउंटिंग कर सकता है इन कंपैरिजन टू रिंग काउंटर, तब भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे 3 बिट का अगर मैंने जॉनसन काउंटर लिया तो केवल ये 6 स्टेट्स को ही काउंट कर सकता है, जबकि 3 बिट का जो काउंटर होता है वो mod 8 तक जा सकता है, ओके, mod 8 तक जाना चाहिए मैक्सिमा की अगर बात करें, पर ये 3 बिट का आपका 6 स्टेट्स को काउंट कर सकता है, तो 2 टाइम्स हो गया। तो mod k फ्लिप फ्लॉप्स वाला mod 2k काउंटर बनाता है, और ये भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ओके। मतलब वही बात है, क्योंकि यहाँ 6 स्टेट्स में हो रहा है, तो अनयूज स्टेट कितनी होगी, 2 की पावर k -2k, ओके। मतलब बोल सकते हैं कि जैसे 2 की पावर 3 -2 × 3, तो ये कितना दे देगा, आपका 2 दे देगा। 2 अनयूज स्टेट हैं, तो वो जो अनयूज स्टेट्स होंगी वो आपका लॉकआउट, ठीक है, पॉसिबल कर सकती है, लॉकआउट हो सकता है, तो इस वजह से ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ नोन फ्लिप फ्लॉप्स, नोन मतलब जो हमारे पता है, D, JK, ठीक है, SR और हमारा T, इनका एक दूसरे के बीच में कन्वर्जन को थोड़ा शॉर्ट में समराइज करके देखते हैं।
जैसे कि ये तुमने पहले देख ही लिया कि अगर मान लो आपको जे के बनाना है विद द हेल्प ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, तो आप क्या करोगे, यहाँ स्टेट टेबल बनाओगे और इधर इसी से कंबाइन करते हुए एक्साइटेशन टेबल बनाओगे, ओके और जो आपका गिवन है उसको यहाँ डी को सॉल्व करके लाओगे, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ क्यू प्लस होगा और यहाँ पे आपका जे और के होंगे, तो इस तरीके से ये हमने देखा था पहले। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट में बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट में कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो जो रिक्वायरमेंट होता है, पहले बात सुनो कि जो रिक्वायरमेंट है उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, ये देखो मैंने लिखी, आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद होनी चाहिए नंबर वन। उसके बाद जो गिवन है उसकी भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, या आपने गिवन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी क्यू प्लस इक्वल टू डी। अब देखो करना क्या है, ट्राई टू मेक गिवन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइक रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो आपका ये गिवन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको आप कुछ इस तरीके से बनाओ कि वो रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरह हो जाए, ओके okay, अब डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आएगा पर थोड़ा सा देखेंगे पेशेंस के साथ तो समझ में आ जाएगा कि ये जो q plus इज्कल टू d है इसको आप इसके तरह बना लो। कैसे बनेगा ये q plus इज्कल टू d इज्कल टू, इसको हम क्या करें कि ये j और k में एक इनपुट दें पहले, तो ठीक है पहले क्या है x, तो j की जगह अगर मैं क्या दे दूँ x, तो ये x बार q बना देगा, या फिर देखते हैं मैं y दे देता हूँ, ओके इसको मैं कंपेयर करूँ तो ये j आपका q बार और ये आपका k बार q। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने दो अलग से इनपुट दिए हैं, मतलब मैंने j और k, उनको नाम j और k नहीं दिया बट वो उसी तरीके से काम कर रहा है, ओके तो ये j और k, तो ये क्या हो गया आपका j q बार और ये k बार q, इनको ऐड कर दिया। तो ये चीज़ है, मतलब जो आपका सिंगल इनपुट है इससे क्या समझ में आया कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये इससे मैच कर गई। और q प्लस इज्कल टू डी, इसका क्या मतलब कि d के अंदर आपको ये दे दो, अगर आप d इनपुट के अंदर ये इक्वेशन की जो भी चीज़ें इसको इसके अंदर दे दो तो आपका ये ओवरऑल j के फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। तो देखो ये तो सिंपल d फ्लिप फ्लॉप है, इसमें दो चीज़ें जा रही हैं, तो दो के लिए पहले मैंने एक और गेट बनाया, ओके एक आपका x बार q है तो ये x का बबल और ये दोनों एंड गेट से इसमें ये q डाल दिया, ओके दूसरा आपका इसमें क्या है y q बार, तो ये y डाला मैंने और दोनों को ही मैंने ये क्या कर दिया और करा दिया और इसमें y के संग हमने q बार डाल दिया। तो कुछ थोड़े से चेंजेस करके आपका क्या हो गया कि अब ये आपका एक जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा, ठीक है दोनों इनपुट्स x और y को यूज करना है कुछ इस तरीके से और उसको d के अंदर दे देना है, ठीक है अकॉर्डिंग टू द ये जो इक्वेशन आई q प्लस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू x बार q प्लस y बार q y q बार, ओके एक दो एग्जांपल और देखेंगे तो थोड़ा सही से समझ में आएगा। मान लो आपसे पूछा गया होता कि टॉगल बनाना है d फ्लिप फ्लॉप से, ओके तो मैंने क्या कहा कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, आपका जो गिवन है उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो और इसको इसकी तरह बनाने की कोशिश करो, ओके तो इसके लिए क्या करेंगे q प्लस इजकल टू आपका जो d होता है d इजकल टू, ठीक है जैसे ये t बार q प्लस q बार t है तो इसको कर देंगे x बार q प्लस q बार x, तो ये क्या हो जाएगा q xor x, मतलब क्या करो कि d फ्लिप फ्लॉप में आप एक xor गेट लगाओ उसमें x और ठीक है आपने सही कहा x और q का xor करा दो, देखो ये x और q का xor करा दिया तो ये आपका ओवरऑल क्या बन गया t फ्लिप फ्लॉप बन गया, ओके तो इस तरीके से आपको बनना है, आसानी से बन सकता है। फिर आपका टॉगल फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें ये तो पहले वैसे भी हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट में कि JK से अगर आपको बनाना है तो जस्ट आप क्या कर दो दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दो एक साथ कनेक्ट कर दो तो ये आपका टॉगल फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब यही पहले ये देख लेते हैं लास्ट कि D फ्लिप फ्लॉप बनाना है SR फ्लिप फ्लॉप से, तो जो बनाना है उसकी इक्वेशन लिखो, जो आपको गिवन है उसकी लिखो। देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो बनाना है वो इक्वेशन काफ़ी छोटी है और जिससे बनाना है वो इक्वेशन काफ़ी बड़ी है, पर ये आसान भी है। एस क्यों? क्योंकि आप इस बड़ी इक्वेशन को छोटा कर सकते हो तो वो ज़्यादा आसान है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको हमने लिख लिया एस की जगह एक्स दे दिया, आर की जगह वाई, तो सिंपल लिखा एक्स प्लस वाई बार क्यू। देखो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि ये जो एक्स एस है और ये जो आर है, अभी तो हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाया, एस की जगह एक्स दे दो और आर की जगह वाई दे दो फिलहाल, पर वाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं कि इसको केवल हम क्योंकि हमें इसको q प्लस इक्वल टू d की तरह बनाना है तो हम क्या अगर बना दें इस ये जो इक्वेशन है ये वाली q प्लस इक्वल टू s प्लस r बार q, इसको बना दें q प्लस इक्वल टू ओनली सिंगल इनपुट कुछ भी x y z कुछ भी, मान लो हमने x लिया तो x और इक्वल टू d क्योंकि सिंगल इनपुट बनाना है, तो अगर ये बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ये जो y बार है इस y बार की जगह हम क्या लिख देते हैं x बार, ठीक है और एक बार पहले से था तो हमने केवल y की जगह x बार लिखा, देखो y की जगह x बार लिखा एक बार पहले से, तो ये दो बार होगा दोनों कट गए तो ये क्या बच गया x प्लस एक्स क्यू, और x प्लस एक्स क्यू में x को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्यू और 1 प्लस समथिंग हो जाता है 1,
तो ये एक्स बचेगा। तो कुछ इस तरीके से है कि एक में इनपुट एक्स दे दो, एक में एक्स का बार दे दो इनपुट, और आपका ये ओवरऑल डी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है आपका कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनवैलिड कंडीशन, कि अगर हम इनवैलिड देते हैं तो क्या होता है। शुरू में मैंने क्या दिया था सिक्वेंशियल का, जब शॉर्ट नोट्स अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, कि आपका इनवैलिड नहीं देना चाहिए, वो गलत होता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके, सर्किट बर्न आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है। और ऐसा कभी पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि आप इनवैलिड कंडीशन दे पाओ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके जो ये दो गेट होते हैं, जैसे नॉर गेट हैं ये दोनों, ओके, तो दोनों का जो डीले होता है, देखो हर गेट में, प्रैक्टिकल गेट में एक डीले मौजूद जरूर होता है, एक डीले होगा TD1 TD2, तो दोनों के डीले एग्जैक्टली सेम नहीं होते, किसी का डीले ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, इसी वजह से आप परफेक्टली वन और वन या फिर नैंड लैच में जीरो और जीरो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। आप मतलब कहते तो हो, हम पढ़ते तो हैं इनवैलिड कंडीशन, पर कभी हम चाह के इनवैलिड कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ है। ऐसा क्यों है उसको अभी समझते हैं, समझ में आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो आउटपुट है या तो वो सेट बन जाएगा अगर आप वन वन देते हो, ठीक है, नॉर लैच है, नॉर लैच के अंदर आप वन वन दोगे, हमने क्या दिखा है वो ये डोंट केयर बना देता है, या फिर आपको देना नहीं चाहिए। डोंट केयर का मतलब क्या है, आपको पता नहीं है कि वो 01 बनाएगा या 10 बनाएगा, कुछ भी बना सकता है। ओके, तो या तो वो सेट कर देगा, और ठीक है, और रीसेट व्हेन गेट हैव डिफरेंट डिलेज, जो दोनों गेट होंगे, एक ऊपर गेट है, ओके, एक नीचे गेट है, दोनों का डिले अलग होगा, तो वो या तो सेट कर देगा या रीसेट कर देगा, आपको नहीं पता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ चुका है इसी से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट पे, कि हमने क्या किया, पहले एक इनपुट दिया 01, फिर इनपुट दे दिया 11, फिर इनपुट दे दिया 00। देखो ये 00 क्या करता है, होल्ड करता है, ये 01 क्या करता है, ये अगर ये ऐसा आ रहा है तो ये रीसेट करता है, इसका मतलब कि इसका आंसर आना चाहिए था 0, लेकिन कब, जब यहाँ पे 11 नहीं होता तो इसका आंसर 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये 0 दे देता और ये इसको होल्ड करा देता, पर क्योंकि यहाँ पे 11 है बीच में, इसका मतलब अब हम आंसर क्या लिखेंगे, और हमें डिले भी नहीं दिया गेट का, हम लिखेंगे कि हम बता नहीं सकते कि इसका आंसर 0 होगा या 1 होगा। क्यों? जो ये बीच का 11 था, ये हमको नहीं पता कि ये सेट करेगा आउटपुट को कि रीसेट करेगा, कुछ भी कर सकता है। ओके, तो ये याद रखेंगे, इफ देर इज नो डिले देन वी कांट से व्हाट विल बी द आउटपुट, हम कह नहीं सकते कि आउटपुट क्या होगा। ओके, अब डिले वाला केस देख लेते हैं, ये आपका नॉर लैच है, इस तरीके से हमने ये इनवैलिड कंडीशन दी 1 और 1। ओके, तो ये गेट 1 है, ये गेट 2 है, ठीक है, इनकी नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो जो क्यू होता है, केवल क्यू, वो गेट 1 से जुड़ा है और नीचे वाला गेट 2। ओके, इस तरीके से ऐसी गेट 1 यहाँ पे है और वो क्यू आपका गेट 1 से जुड़ा है। तो अगर आपका गेट 1 फास्ट है, इसका क्या मतलब है कि आपका आउटपुट जो होगा वो 1 हो जाएगा। ओके, गेट 1 फास्ट होने का क्या मतलब है कि ये एस और आर, या इसको रहने देते हैं, आपका बस याद रख लो, ठीक है, अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में उसे याद ही रखते हैं, कि आपका इनवैलिड कंडीशन दोगे अगर ऊपर वाला गेट, क्यू से जुड़ा वाला गेट फास्ट होगा तो आपका 1 बना देगा। गेट का फास्ट होने का क्या मतलब है कि जो गेट 1 है उसका डिले कम है, ऑब्वियस ही बात है कि डिले कम होगा तभी तो गेट फास्ट होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपका डिले कम है इसीलिए गेट फास्ट है। ओके, तो गेट 1 का डिले लेस है गेट 2 से, तो गेट 1 फास्टर है, पॉज करके देख लो अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। उसके बाद फिर आता है कि गेट 2 अगर फास्टर है हमारा, ओके, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि नीचे वाला गेट हमारा फास्टर है, यहाँ पे हमारा ऊपर वाला गेट फास्टर था, नीचे वाला गेट फास्टर है, इसका मतलब क्यू 0 क्यू बार जो है वो 1 बन जाएगा। ओके, और ये 1 बन जाएगा मतलब कि ऊपर वाला चीज़ 0 बन जाएगा, तो ये रीसेट कर देगा। इसका क्या मतलब है, गेट 2 फास्ट कब होगा, जब इसका डिले गेट 2 का लेस होगा। ओके, कोई चीज़ फास्ट कब होगी, जब वो कम समय ले रही होगी, ओके, तभी वो फास्ट होगी। तो ये चीज़ है, तो ये कंडीशन याद रखेंगे। फिर शॉर्ट में एक आता है कि हाउ टू स्टोर डेटा, डेटा को अगर हमें स्टोर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको 1 को स्टोर करना है तो बहुत सिंपल है, पहले आप सेट कर दो, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शायद, और फिर आप होल्ड कर दो। अगर आपको 0 को स्टोर करना है तो पहले आप रीसेट कर दो और फिर आप होल्ड कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट और थोड़ा देख लेते हैं, सेटअप टाइम और होल्ड टाइम। तो सेटअप टाइम क्या टाइम होता है, देखो ये क्लॉक है, ये क्लॉक इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स टाइप की क्लॉक है मान लो, तो जहाँ से ये क्लॉक की टाइमिंग हमारी एग्जैक्टली शुरू होनी चाहिए थी, वहाँ से लेके जब तक आपका ये इम्पल्स नहीं मिलता, ये इम्पल्स को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक एज से कंपेयर कर रहे हैं, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है इस तरीके से। ओके, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है, तो इसके पहले का जो ये पूरा टाइम है ये TS, तो इसको सेटअप टाइम बोलते हैं, जब तक आपकी क्लॉक सेटअप नहीं हो जाती, या फिर वो टाइम जितने में इनपुट को स्टेबल बनाओ, ठीक है, या बनाने में लगा,
तो इनपुट को स्टेबल बनाने में लगा। इनपुट को स्टेबल बनाने में मतलब मान लो ये फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे आपकी क्लॉक है। ओके, क्लॉक तो है, यहाँ पे इनपुट दे रहे हो आप। अब आप एक बात समझो, मान लो आप टी इज इक्वल टू जीरो पे एक ये पॉजिटिव एच वाली क्लॉक दे रहे हो, ठीक है, ये पॉजिटिव एच वाली क्लॉक है, बट इसके अंदर इनपुट ही नहीं पहुँच पाया, फिर क्या होगा? तो यही लॉजिक यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी क्लॉक तो रेडी हो गई, ये एस तो रेडी हो गया काम करने के लिए, बट क्या है, मान लो ये किसी गेट से जुड़ा है, ये एक और गेट से जुड़ा है, और गेट में कुछ भी इनपुट होंगे हमें उससे दिक्कत नहीं, और गेट का खुद का डिले है 5 नैनो सेकेंड, तो और गेट का डिले 5 नैनो सेकेंड, इसका मतलब कि इसका इनपुट रेडी होने के लिए, इस तक इनपुट पहुंचने के लिए आपको 5 नैनो सेकेंड तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि ये गेट डिले ले लेगा और आपका क्लॉक पहले रेडी हो गई। तो ये यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि आपका क्लॉक तो जा रहा है, ठीक है, बट आपका इनपुट को रेडी होने के लिए या फिर इनपुट को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, इनपुट का स्टेबल होना मतलब कि इस और गेट से पूरी तरीके से आउटपुट निकल के और इसके अंदर पहुंच जाए। मान लो ये डी फ्लिप फ्लॉप है, तो इस डी वाले इनपुट पे पहुंच जाए हमारा जो भी सिग्नल पहुंचना है 1 0, तो जैसे जैसे ही डी वाले इनपुट पे हमारा सिग्नल पहुंचेगा, इसका मतलब कि इनपुट आपका स्टेबल हो गया या फिर इनपुट आपका रेडी हो गया है। तो वही टाइम को क्या बोलते हैं, सेटअप टाइम बोलते हैं। इसको देखो नाम से भी समझ सकते हो, सेटअप, इनपुट को सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद आपने एक क्लॉक दे दी, जैसे ये एज दे दी, अब आपका ये एज ठीक है आगे बढ़ गई, ये तो क्लॉक है, तो जब तक आपका अगली जो भी क्या होगा कि इस गेट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मान लो चला गया इनपुट, तो अब इसका खुद का डिले है, इसका खुद का भी डिले है, तो आपका आउटपुट जब तक नहीं निकलता तब तक वो होल्ड टाइम हो गया। तो वो टाइम जितने में इनपुट को स्टेबल बनाए रखो, आप बनाओ बनाए रखो, ठीक है, जितनी नेसेसिटी है आपको कि आपने इनपुट को स्टेबल तो बना दिया, ओके, इनपुट को स्टेबल बना दिया यहाँ पे, अब आपको एक टाइम लगेगा कि उस इनपुट को फिर से स्टेबल बनाए रखो। एक तो बनाने में टाइम लगा, एक बनाए रखने में टाइम लगा, ओके, ये टाइम बनाने का था, ये टाइम है कि बनाए रखो इनपुट को स्टेबल, तो उसको होल्ड टाइम बोलते हैं। होल्ड टाइम का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन सेटअप टाइम आपका डिले के संग जुड़ जाता है। जैसे ये गेट है डी फ्लिप फ्लॉप में, मान लो ये Q बार, तो इसमें इसका कुछ डिले होगा और इसका एक टी डी होगा, ओके, और आपका टी एस भी डिले सेटअप टाइम भी होगा, दोनों को जोड़ देंगे जब आप टोटल, ठीक है, डिले टाइम निकालेंगे। एक आध क्वेश्चन भी अभी देख लेंगे नीचे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है आपका। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्या है कि इस पूरी ड्यूरेशन में आपका जो डी है वो स्टेबल होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप डी को चेंज कर सकते हो, इसके पहले भी आप डी को चेंज कर सकते थे, पर इस पूरी ड्यूरेशन में आपका सम ऑफ आपका सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम आपका ये, और फिर बीच में जो क्लॉक आ रही है इनको मिला के आपका पूरा इनपुट जो है स्टेबल होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल टाइमिंग एनालिसिस, यही आपका क्रिटिकल टाइमिंग एनालिसिस है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि टू फाइंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, अगर आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन निकालनी है किसी तरीके से, तो आप लेस वाला डिले है उसको छोड़ दो। मान लो क्या है कि दो फ्लिप फ्लॉप है सर्किट में, आपने डिले निकाला अलग अलग, ओके, डिले निकाला अलग अलग दोनों का, तो एक डिले मान लो 5 नैनो सेकंड ले रहा है, एक 7 ले रहा है, तो आपको क्या करना है, 7 वाले का इस्तेमाल करके आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है, और फ्रिक्वेंसी क्या होगी आपका, ठीक है, यही होगी एफ इज इक्वल टू 1/T, मतलब 1/60 नैनो सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा 1/7, और ये नैनो सेकंड बना देगा मेगाहर्ट्ज़, तो कुछ मेगाहर्ट्ज़ में जाएगी और 1/7 सॉल्व कर लेंगे आप। तो ये चीज़ है कि अगर आपका दो अलग अलग डिले है तो आप मैक्सिमम वाले को ले लो, लेस वाले को छोड़ दो, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्टेप वन क्या, सबसे पहले आप एक क्लॉक पल्स को अप्लाई करो, उसके बाद देखो कि टू अप्लाई सेकंड क्लॉक पल्स चेक व्हेन इनपुट्स ऑफ एन फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर रेडी। तो ये वही सेटअप टाइम और होल्ड टाइम का कॉन्सेप्ट ही है कि आप एक क्लॉक को अप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब कोई सा भी सर्किट है बड़ा सा, मैं दिखाई देता हूँ, ये आपका एक सर्किट है इस तरीके से, दो फ्लिप फ्लॉप हैं, ठीक है, इसका ये आउटपुट निकाल के इधर ये एग्जॉर में दिया है, इसका भी दिया है, उसको उन दोनों को वापस उठा के फिर इसमें डाला हुआ है, ठीक है, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में, ये सर्किट है आपका। तो आपने एक क्लॉक पल्स दी, या आप क्लॉक दे रहे हो, एक क्लॉक पल्स दी, तो एक क्लॉक पल्स के बाद क्या हो गया आपका सर्किट, क्योंकि दोनों ये सिंक्रोनस टाइप का काउंटर है या सर्किट है, तो यहाँ पे ये काम करना शुरू कर दिया, दोनों ही फ्लिप फ्लॉप एट अ टाइम एक साथ काम करेंगे, तो इनने आउटपुट दिया, इसने भी आउटपुट दिया, पर क्या है ना कि इसका कुछ डिले है गेट का, एग्जॉर गेट का, इनका खुद का कुछ डिले है, कुछ सेटअप टाइम है, इसकी वजह से दिक्कत क्या होगी कि आपका टाइम लग जाएगा इन फ्लिप फ्लॉप को रेडी होने में, इनके इनपुट को रेडी होने में, कि ये फिर से इनपुट ले सके, ओके, तो ये चीज़ है।
मान लो कि क्लॉक एक एक नैनो सेकंड पे दे रहे हैं, ठीक है, एक नैनो सेकंड पे क्लॉक दी, पर अभी 2 नैनो सेकंड पे अगर हमने क्लॉक दी पर इनका डिले तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, मान लो ये 10 नैनो सेकंड ले रहा है, ये 11 ले रहा है, तो आप दूसरी क्लॉक देके कर क्या लोगे, ठीक है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो उसी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो समझना थोड़ा मुश्किल भी है, पर समझना तो पड़ेगा। तो मान लो कि ये ज़्यादा डिले ले रहा है, आपने 2 नैनो सेकंड पे क्लॉक तो दी पर उस क्लॉक का आप अचार डालोगे, मतलब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये रेडी ही नहीं है, ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट ये है डी, और इधर ये रेडी नहीं है क्योंकि इनका खुद का डिले है, इस गेट का डिले है, इनका सेटअप टाइम है, होल्ड टाइम है, तो इस वजह से यहाँ पे ये कहना इंपॉर्टेंट है कि एक क्लॉक दो और फिर उसके बाद चेक करो कि आपका ये जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से ये कब रेडी होते हैं। ओके, तो ये स्टेप टू है, ये दो ही मेन स्टेप है। फिर बात करते हैं, वी नॉर्मली नॉट इंक्लूड होल टाइम इन दीज क्वेश्चंस, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मली होल टाइम को इंक्लूड नहीं करते, ये याद रखेंगे। तो जो नया डिले होगा वो आपका टाउ पीडी प्रोपगेशन डिले और प्लस सेटअप टाइम, तो ये मैंने पहले बताया, इन दोनों को जोड़ के आप टोटल डिले निकालेंगे। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेनेवर होल टाइम इज यूज, इट इज़ यूज फॉर अनदर पर्पज एंड नॉट फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। जब भी हम होल टाइम यूज़ करते हैं तो उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इसके लिए यूज़ नहीं करते कि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन कितनी होगी। ओके, कभी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन निकालने के लिए होल टाइम का इस्तेमाल नहीं करते, ये याद रखना। जैसे सुनो, यह आपने एक क्लॉक दी उस तरीके की इम्पल्स, और यह आपने दूसरी क्लॉक दी। ओके, तो आपने क्या दी, मान लो ये पहली क्लॉक दी थी, ये फर्स्ट क्लॉक दी थी, आपने फर्स्ट क्लॉक दे दी, उसके बाद आप क्या चेक करते हो कि जब आप दूसरी क्लॉक दे रहे हो, मतलब यहाँ तक आपका इनपुट रेडी हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब कि आप ये टाउ पीडी प्लस इसमें टीएस, ये टाइम को जोड़ते हो, होल टाइम को नहीं जोड़ते। ओके, होल टाइम को नहीं जोड़ते हो, ये बीच की हो गई, ठीक है, दोनों क्लॉक का सेपरेशन हो गया। तो आप इस दूसरी क्लॉक को यूज़ करने से पहले आप केवल सेटअप टाइम को इंक्लूड करते हो, बाद में है होल टाइम, होल टाइम इंक्लूड नहीं होता है, ये याद रखेंगे। तो ये चीज़ हो गई, पर होल टाइम का यूज किसी और तरीके से होता है, वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, मान लो ये होल टाइम है, मान लो होल टाइम 12 नैनो सेकंड, जो कि नहीं होना चाहिए पर बहुत ज़्यादा है, और आपका जो ये हमने बोला ना कि ये रेडी हुआ कि नहीं, ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका इनपुट रेडी हुआ कि नहीं, मान लो ये 9 सेकंड ले रहा है, ये 8 नैनो सेकंड ले रहा है, नैनो सेकंड। ओके, तो ये तो रेडी हो गया, हमको क्या लेना है, मैक्सिमम वाला लेना, ठीक है, तो 9 नैनो सेकंड हमने आंसर निकाला, मान लो आंसर आ गया 9 नैनो सेकंड, ठीक है, बट क्योंकि होल टाइम अभी अपने आप में 12 नैनो सेकंड है, इसका मतलब कि आपका जो अगली क्लॉक के लिए ये चीज़ रेडी, मतलब ये चीज़ सेटअप हो ही नहीं पाई है, इसका क्या मतलब है कि आपका 9 नैनो सेकंड यहाँ तक आएगा, मतलब आपका जब तक होल्ड टाइम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप अगला इनपुट इसमें नहीं भेज सकते, मतलब ये जो 9 नैनो सेकंड है या फिर इसका जो कैलकुलेशन था वो हमारा चला गया बेकार। तो कभी भी अगर होल टाइम, टोटल कैलकुलेटेड टाइम, ये जो न्यू डिले हमने यहाँ पे लिखा है, ये न्यू डिले, कभी भी होल टाइम अगर न्यू डिले से ज़्यादा आता है, इसका मतलब कि आपका आंसर होल टाइम की वैल्यू ही होगी, वो डिले का मतलब नहीं है जो आपने कैलकुलेट किया है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर होल टाइम बहुत ज़्यादा है तो फिर आंसर होल टाइम हो जाएगा। ओके, व्हेन टीएच, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि व्हेन टीएच इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड, हमारा जो टाइम है टीपीडी प्लस टीएच दोनों के सम से ज़्यादा बड़ा है, देन यूज दिस एज आंसर, ठीक है, तब आप सॉरी टीएच है तो टीएच को ही आंसर की तरह यूज़ करो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मान लो इसका आंसर आया 11 नैनो सेकंड। ओके, 11 नैनो सेकंड आया सर्किट का आंसर, टोटल डिले मान लो एक का 10 आया, एक का 11 आया, तो आप मैक्सिमम वाला ले लोगे, पर मैं कह दूं कि यहाँ पे किसी एक गेट का होल टाइम है 12 नैनो सेकंड, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 11 ना होके 12 हो जाएगा। ओके, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं होल टाइम, इसी को हम होल टाइम वायलेशन भी कहते हैं, कि दिस एग्जाम्पल इज होल टाइम वायलेशन, सो व्हेन होल टाइम डिले इज ग्रेटर देन टोटल कैलकुलेटेड डिले, तो होल टाइम ही आंसर होगा। ओके, और होल टाइम वायलेशन में एक चीज़ ये भी होती है कि सर्किट आपका वर्क नहीं करता है होल टाइम वायलेशन में। ओके, मतलब वो अगले पूरे जब तक होल टाइम जो भी है, जैसे 12 नैनो सेकंड है, तब तक वो वर्क नहीं करेगा, 12 नैनो सेकंड पूरा होने तक, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 12 नैनो सेकंड पूरा होने तक वो वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ये जो ये है, ये जो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, मान लो इसमें मैंने किसी भी मोमेंट पे इनपुट दे दिया, ठीक है, अभी केवल मान लिया कि इसमें इनपुट चला गया, ओके, जबकि इनपुट जाए इसी से रहा है, तो इसका खुद का डिले है 5 नैनो सेकंड, तो इसने 5 नैनो सेकंड बाद यहाँ पे आउटपुट भेजा। ओके, इसका खुद का डिले है 5 नैनो सेकंड। ओके, अभी देखो बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये आपको सॉल्यूशन ऐसे डायरेक्टली मिलता नहीं है,
इसमें मान लो किसी मूवमेंट पे पहली क्लॉक पे मैंने दे दिया, ठीक है, मान लो वो कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, टी इज कल टू टी नॉट। अब टी नॉट की क्या वैल्यू है मुझे उससे मतलब नहीं है, ओके, तो टी इज कल टू टी नॉट पे मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इससे बाहर निकलने में, आउटपुट बाहर निकलने में, क्योंकि इसका टाउ पी डी 5 नैनो सेकंड लग गए, तो 5 नैनो सेकंड लगे यहाँ पे इससे बाहर निकलने में। अब 5 नैनो सेकंड के बाद अभी हमें कुछ और नहीं देखना, हमें आगे वाला नहीं देख रहे, इसको ऊपर भेज दिया, ओके, तो ये इससे 5 नैनो सेकंड लेके गया। अब 5 नैनो सेकंड गया, 3 नैनो सेकंड इसका खुद का डिले है, मतलब यहाँ पे आउटपुट निकलने में, मतलब किसी भी, ये वायर एक ही चीज़ है, पूरा वायर एक ही है, तो आउटपुट निकलने में आपको 8 नैनो सेकंड का समय लगा, ओके, तो हमने क्या देखा कि 8 नैनो सेकंड का डिले हमें लग रहा है। अब एक चीज़ और देखो कि हमने होल्ड सेटअप टाइम को क्या बोला था, कि ये क्लॉक के आने से, अगली वाली क्लॉक आने से पहले का जो टाइम होता है वो सेटअप टाइम होता है। इसका मतलब कि जो आपने ये 8 नैनो सेकंड कैलकुलेट किया है, इसमें अब पहले आप 8 नैनो सेकंड कैलकुलेट करो, ठीक है, ये याद रखना, और बाद में आप उसमें इस वाले फ्लिप फ्लॉप को सेटअप टाइम ऐड कर दो। इसका मतलब कि 11 नैनो सेकंड आपको लगेंगे इस डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को रेडी होने में। मतलब कब इनपुट रेडी होने का मतलब कब है कि आप एक इनपुट दे दो और दूसरा इनपुट कब रेडी होगा उसको देखो, ओके, ये तरीका है चेक करने का कि दूसरा इनपुट कब रेडी होता है, ओके। अब इस वाले का देख लेते हैं, ये भी इसी तरीके से काम करता है, इसका 2 नैनो सेकंड है, मतलब इसको हमें ये नहीं देखना कि इसने 5 नैनो सेकंड बाद दिया तो इसके अंदर 5 नैनो सेकंड बाद घुसेगा इनपुट, ऐसा नहीं है। आप जब पहली क्लॉक दे रहे हो तो मान के चल रहे हो कि इसमें भी इनपुट उसी मूवमेंट पे जा रहा है, क्योंकि ये एक सिंक्रोनस टाइप का सर्किट है, तो इसके अंदर इनपुट तो चला गया पहला वाला। अब इसने 2 नैनो सेकंड का डिले ले लिया, तो 2 नैनो सेकंड बाद यहां से इनपुट निकला, ये 3 नैनो सेकंड का ले लिया, इसका मतलब 5 नैनो सेकंड का डिले करके इनपुट निकला इस वाले इनपुट के लिए, ओके, 5 नैनो सेकंड के बाद निकला, और 5 नैनो सेकंड के बाद निकला, उसके बाद इसमें गया और फिर इससे उसमें जा रहा है, तो उसमें फिर इसका ये भी जोड़ देंगे TS, तो यहाँ पे 7 नैनो सेकंड हो जाएगा, ओके, तो हमें मैक्सिमम वाली 11 नैनो सेकंड वाली वैल्यू ही लेनी है। और एक बात और सुनो, मान लो कि दोनों से आउटपुट निकल रहा है, इससे 5 नैनो सेकंड के डिले के संग इससे 2 नैनो सेकंड के, मतलब कि इस एग्जॉर गेट पे एक डिले आया 2 नैनो सेकंड के बाद, एक आया 5 नैनो सेकंड के बाद, क्योंकि जब तक दूसरा इनपुट नहीं आया था तब तक पहला इनपुट आके बैठ गया, पर वो करेगा क्या, उसको 3 नैनो सेकंड तक वेट करना पड़ेगा जब तक दूसरा वाला इनपुट ना आ जाए। इसका मतलब कि इस एग्जॉर गेट के बाद जो आउटपुट निकलेगा वो तो किसी भी कीमत पे वो 8 नैनो सेकंड का डिले लेके ही निकलेगा, उससे कम पे नहीं निकलेगा, निकल नहीं सकता है। तो यहाँ पे इसी मूवमेंट पे ये जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है, इसकी टाउ पी डी और टी एस की वैल्यू जो हो गई वो हो गई इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इससे हमारा आंसर नहीं निकलने वाला, आंसर हमारा इससे ही निकलेगा।